राधा स्वामी। दो महापुरुषों के शब्द आपने सुने हैं, कबीर साहब का शब्द सुना है, दूसरा दाता दयाल जी महाराज का शब्द सुना है। कबीर साहब ने तो फकीरी को बहुत बड़ा माना है। फकीरी का मतलब ये नहीं है जो दुनिया समझती है कि कपड़े फटे हुए हैं मांगता फिरता, वो फकीर नहीं होता, वो फकीर नहीं है। फकीर वो है, दीन वो है जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो सब कुछ को अपना नहीं मानता, वो उस सब को मालिक का मानता है, वो असली दीन है और असली फकीर है, क्योंकि वो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। एक बार। दूसरी बात उन्होंने कहा कि फिर सुख किस में है, क्या अमीरी में सुख है? जितनी ज़्यादा अमीरी है उतनी ज़्यादा आदमी दुखी है। किस में है? गरीबी में। गरीबी भी क्या है? गरीब वो है जिसने सब कुछ अपना मान लिया कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी, वो सबसे ज़्यादा गरीब है। मैं बात बहुत ऊँची कह रहा हूँ क्योंकि उसने अपने आप को बांध लिया है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये, उसमें कोई चीज़ गई तो दुखी हो जाएगा। जिसने समझा कि मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसका दिया हुआ है, उसकी कृपा है, तो वो सबसे बड़ा अमीर है, वो सबसे ज़्यादा सुखी है, उसने अपने आप को किसी चीज़ से बांधा नहीं है, वो सुखी है। कबीर साहब की बात कर रहा हूँ। और फिर तीसरी बात उन्होंने कहा कि सुख किस में है? सबूरी में, सबर में। सबसे ज़्यादा सुख किस चीज़ में? सबर। सबर जानते संतोष। संतोष सबसे बड़ी दौलत है कि बस भाई मैनू संतोष हो गया, मैनू हूँ कुछ नहीं चाहिए। तुम खाना देख लो, जो मर्जी देख लो, जिंदगी का रहने का तुम्हारा ढंग, जहाँ संतोष तुम्हें मिला, जहाँ तुम्हें सुख मिल गया, जहाँ तुमने मान लिया कि मैं बस मुझे कुछ और ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं इसी में संतुष्ट हूँ, वो सबसे ज़्यादा सुखी है। ये कबीर साहब ने कहा है जो मैंने आपको बोला। दूसरी तरफ गुरु ये दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी कहते हैं कि इंसान नाम के बगैर भूला हुआ है और सारे दुख जितने भी हैं वो उनको है जिनको गुरु का नाम नहीं मिला। अब नाम क्या है? मैं कहता हूँ, मैं आज कहता हूँ इससे बाबा फकीर जी के महाराज कि जिन्होंने नाम लिया है वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने नाम को समझा नहीं कि नाम है क्या। क्या कहा मैंने? वो नाम है क्या? उन्होंने समझ लिया कि राम राम कर लो बस बेड़ा पार हो जाएगा, राधा स्वामी जप लो तो भी पार हो जाएंगे, या हरे कृष्ण, ये नाम नहीं है, ये नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये नाम। नाम कोई और चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ आज, लेकिन पहले एक मेरे दिमाग में कल का शब्द परसों का घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? हर इंसान चाहे वो संत है चाहे वो परम संत है, अगर वो असलियत की ओर चला गया है तो बाहर की दुनिया को देखकर उसके मन में दुनिया के बारे में अनेक विचार पैदा होते हैं कि ये दुनिया है क्या। बात मेरी समझ गए ना? वो दुनिया को देखकर दुखी होता है कि ये संसार कैसा बना, ये काल और माया ने क्या रचना रची है। हालांकि गुरुवाणी तो कहती है जिया जंत सब तुद उपाए, जीव जीव पाना तिव तिव लाए, ये कहा है गुरुवाणी में। कि जिसने ये सारा संसार बनाया है उसने अपने अनुसार सबको अपना अपना काम दिया हुआ, जीव जीव पाना तिव तिव लाए, ऐसा वाणी में लिखा गया है जो मैंने बचपन से सुनता आया हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारा जीवन निर्धारित किया गया है कुछ करने के लिए, लेकिन हम उस निर्धारित से परे चले जाते हैं, मन और बुद्धि के अधीन होकर हम काम करते हैं और इसलिए हम दुखी होते हैं। जिंदगी में जीने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि ऐ इंसान तू अपने मन और बुद्धि की ताकत से दुनिया में जो कुछ भी करना चाहता है कर ले। दुनिया करती है, साइंसदानों ने क्या कुछ निकल लिया, चांद तक पहुंच गए, मंगल ग्रह तक पहुंच रहे हैं, तो ये किसके हिसाब से? मन और बुद्धि से ही है ना। पढ़ने वाले इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया,
उन्होंने अपने मन और बुद्धि को बाहर की दुनिया में, बाहर में सुख लेने के लिए, बाहर का ऐशो आराम लेने के लिए, बाहर का आनंद लेने के लिए उन्होंने अपने जीवन की उस हस्ती को इस्तेमाल किया। एक तो बात ये है, उसमें मन और बुद्धि काम करती है और करना चाहिए। इसलिए बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, ब्रह्म बनो, बढ़ो, मन और बुद्धि और अपनी ताकत को, अपनी जिंदगी को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करो। ये उनकी पहली बात है। लेकिन जब थक जाओ, एक दिन तो थकावट होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा मन हमेशा इतना बलवान रहे, इतना हो नहीं सकता कि तुम्हारी बुद्धि हमेशा अच्छे अच्छे ख्याल निकालती रहे। एक दिन तुमने थकना है, थकना मजबूरी हो जाती है। वो दांत जिनको हम बड़ा बढ़िया रखते हैं, वो एक दिन दांत भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। जिन कान से हम बढ़िया बढ़िया बातें सुनते हैं, वो भी कई दफ़ा अपना साथ हमारा छोड़ देते हैं, और कईयों की नज़र भी उसका साथ छोड़ दे, छोड़ती कि नहीं छोड़ती। तो इसलिए काले से सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो ज़िंदगी बदल रही है, अगर ज़िंदगी बदल रही है तो मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, सोच भी बदलती है, विचार भी बदलता है, आदमी की रहनी भी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि इंसान उस बदलते हुए संसार में अपने आप को स्थिर रखता है, अपने आप को स्थिर रखता है, ठहरा के रखता है। क्यों ठहरा के रखता है? कि उसको पता चल गया कि जिस मालिक ने मुझे इस दुनिया में भेजा है और जिसको गुरु का नाम प्राप्त हो गया, वो सारे तरद्दत करने छोड़ देता है, वो उसकी रजा में रहता है, राजी। जैसे दाता दयाल जी महाराज के एक शब्द बहुत प्यारा है, पे भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ तेरे भजन, मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरा भरोसा है बस, और कुछ नहीं। ये दूसरा रास्ता है। लेकिन आज के कलयुग की दुनिया में जाके इस वक्त कला का जमाना है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका जिक्र स्वामी जी महाराज ने 200 साल 250 साल पहले किया। और फिर उस दुख में, वो जो दुख इस कलयुग में पैदा हो रहा है, वो जो हमारी शांति को अशांत बना रहा है, वो जो हमारा सुख दुख में बदल रहा है, वो जो हमारा आनंद विपता में बदल रहा है, उसको संभालने के लिए फिर दाता स्वामी जी महाराज कुछ नुक्ते बताते हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे क्या महसूस करोगे कि तुम इस दुनिया में सब कुछ होते हुए भी ये समझने लग जाओगे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या कहा मैंने। तो वो सब निकालो स्वामी जी महाराज का शब्द, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया को जरा देखो, एक नज़र से देख लो बस, उसके बाद नज़र बंद करो। दुनिया में बहुत बड़ा घोर अंधेरा है। हर इंसान अपने आप में सब कुछ होते हुए भी भटक रहा है, जबकि संतों ने पूरे तन मन धन से भी हमें समझाने की कोशिश की कि ऐ इंसान, तू नरनारायणी देह है, तू अशरफ मखलूकात है, यू आर द टॉप ऑफ द क्रिएशन, तू सबसे ऊंचा है। लेकिन फिर भी इंसान कैसे भटक रहा है, कहाँ कहाँ भटक रहा है, क्योंकि उसको अपना ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। बेशक उसने नाम लिया हुआ है, ना जाने कितने गुरु हैं मेरे देश में, कितने नामधारी हैं, कोई पता लगता है? जरा चारों तरफ नजर मार के देखो, किसी को पूछो तेरा गुरु कौन है, एकदम बोलेगा मेरा गुरु वो है, मेरा गुरु वो है। उन्होंने इंसान को गुरु मान लिया। इंसान को गुरु मानोगे तो तुम डरे नहीं सकते ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे। गुरु इंसान हो ही नहीं सकता, गुरु वाणी है सब कुछ, जो कुछ है गुरु का वचन है, जो कुछ है, जो तुम्हारा हर जगह साथ देता है। इसलिए मैं आज ये शब्द आपको, 3 दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था, मैं देखता हूँ दुनिया को, दुनिया मुझे मिलती है और वो अपने हालात बताती है, तो मुझे दिल में रहम उठता है कि ऐ इंसान, तुझे मालिक ने इतना ज़बरदस्त बनाया, तेरे बनाने में 9 महीने उसने लगा दिए और तेरी सारी देखभाल उसने की,
माँ के गर्भ में तू उसको ही भूल गया, तू कहाँ भटकता फिरता है, तुम्हें उसकी याद ही नहीं आती। जब तेरा कोई अंग काम नहीं करता था, जब तेरा मन भी काम नहीं करता था, फिर भी तेरे को मेरे मालिक ने, उस दुनिया को बनाने वाले ने माँ के गर्भ में उल्टा तू लटका हुआ था, तूने खाने के भी लिए दिया, पीने के लिए भी दिया, तुम्हें सांस भी दिया, सब कुछ दिया, और जब बाहर आया तो तेरे लिए दूध दे दिया, तो फिर तुम्हें उस पर क्यों नहीं विश्वास आता? ये सोचो, इस बात को विचार करो। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो हमारा है, लेकिन तुमने उनको मान लिया। दूसरी जगह रहता है, एक मंदिर में रहता है, कोई और की जगह रहता है, कहीं और रहता है, दरवाजा बंद है, बस बात खत्म हो गई। तुम्हारे तो 9 दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे अंदर एक 10वां दरवाजा है, जरा उसकी टटोल करके देखो, तुम्हें पता लगेगा कि ये बाहर जितना खेल है ये कुछ भी नहीं है, ये स्वप्न है, ये संकल्पमय संसार है। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी नीयत तैसी मुराद, बाहर का तो ये हाल है। तो इसलिए नीयत को ठीक कर लो, मुराद ठीक हो जाएगी, ख्याल को ठीक कर लो, दुनिया बदल जाएगी, संगत को बदल जाओ, बदल दो, तुम्हारी रंगत बदल जाएगी। लेकिन तुम तो इस बात के वो मानते नहीं है, सत्संग को भी मनोरंजन समझ लिया है, लंगर लगता है, जाओ भोजन खाओ और घर को आ जाओ, रिश्तेदारों को मिल लो, बात खत्म हो गई, ये कोई सत्संग है? ये सत्संग है जो मैं तुम्हारे को बैठकर तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए इंसान तू जाग, जो कुछ है वो तेरे अपने पास है। कैसे? अब पढ़ो दादी, क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? जग में घोरे अंधेरा भाए, तन में तम का भंडारा। अब दो बातें बता दी, इंसान के अंदर भी अंधेर और बाहर भी अंधेर। हालांकि कहा है गायत्री मंत्र क्या कहता है? ए इंसान, तेरे अंदर शरीर मन और आत्मा से आगे जा, वहाँ सूर्य रूपी प्रकाश तेरे अंदर चल रहा है। बिन दिया बिन बाती, बिन तेल बिन बाती, सब दिया चले दिन रहती, ऐसा लिखा है संतों ने। जल रहा है, अंदर है तुम्हारे प्रकाश। लेकिन यहाँ तो कहते हैं बाहर भी अंधेरा और अंदर भी अंधेरा, और बिल्कुल बेबात ठीक कही है, मैं इसको बिल्कुल सत्य मानता हूँ। सब दुनिया अपने अंदर के उस चिराग को बुझाकर बाहर ज्योति जला रहे हैं, बाहर घंटी बजा रहे, अंदर की घंटी सुन नहीं रहे। अंदर तो शंख भी बज रहा है, अंदर तो कृष्ण की बांसुरी भी बज रही है, अंदर तो वीणा भी बज रही है, अंदर क्या कुछ नहीं है, लेकिन हमने तो बाहरी ढकोंसला बना लिया, बाहर घंटा लटका दिया, उसको बजा लो बस हो गया, आरती कर लो बस हो गया। तुम कौन हो उठ की आरती करने वाले? उसकी आरती तो प्रकृति में हो रही है, दिन रात हो रही है, और सूर्य चांद सितारे सब उसकी सेवा में हैं। सुनो, गुरबानी में लिखा है, बहुत जबरदस्त आरती लिखी है कि आरती कौन कर रहा है? कुदरत कर रही है उसकी आरती। क्या कहा मैंने? तो यहाँ तो हाल ही खराब है। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, धागा नहीं टूटा हुआ, ताने टूटी हुई है, सारा कुछ खेल ही बिगड़ गया है। और खेल बिगाड़ने वाले कौन हैं? हमारे रहवर, हमारे बने हुए गुरु, हमारे बने हुए चेले, हमारे बने हुए पंडित, पुरोहित, ज्ञानी, त्यानी, सब ने हमको बहुत बुरी तरह से अंधेर में रखा हुआ है। कोई हमें असलियत बात नहीं बताता कि तू घर में बैठ अपने अंदर देख, तेरे अंदर की है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि दाता दयाल जी ने मुझे नहीं बताया कि मैं फकीर, तेरे अंदर नहीं आता, और मैं इसी खपत में सारी उम्र भटकता रहा। मुझे तब ज्ञान हुआ जब संगत ने मुझे बताया कि बाबा फकीर आप आए, मैं बीमार था, मुझे दवाई बता गए, मैं दवाई ले आया, मैं ठीक हो गया। तो मैं तब सोचने को मजबूर हुआ
कि जो मेरे अंदर दाता दयाल आते थे वो भी दाता दयाल नहीं थे, वो भी मेरा मन था। फिर आगे कहे, मेरी बात समझ रहे हो? इतनी ऊंची बात उन्होंने कह दी थोड़े शब्दों में कि ऐ इंसान, तू अपने मन का ही मारा हुआ है, तुम्हें दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, तुम्हें दुनिया में कोई कमजोर नहीं कर सकता, तू माल के कुल की अंश है और तुम्हें मारने वाला केवल तेरा मन है। इसको जीतने की कोशिश कर, इसको समझने की कोशिश कर, इसको नियंत्रण करने की कोशिश कर, तू सफल हो जाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो इस दुनिया को देखता हूं, ये अंदरों भी दीवा बुझा और बाहर में भी दिया बुझा। क्या कहा मैंने? एक कहानी मैंने पढ़ी किसी इसमें आई थी, क्या है इसको, पंजाब केसरी हिंदी की मेरे बच्चे लेते हैं, तो उसमें एक शुद्ध विचार आता था, बड़ी देर होगी मैं तब पढ़ा। इस मुसलमानी अरब देश में एक बहुत उच्च कोटि की देवी थी, मेरे देश में भी हुई बहुत उच्च कोटि की देवियाँ, बहुत उच्च कोटि की महात्मा हुई हैं, तो राबिया उसका नाम था। तो राबिया एक झोंपड़ी में, सड़क के किनारे झोंपड़ी थी उसकी, और उसमें रहती थी वो और भजन करती थी। तो चला ये क्या कहते हैं उसको, रोजे जिसको कहते हैं, जब ये मक्का जाते हैं, वहाँ मदीना जाते हैं, वहाँ ज़ियारत पर जाते हैं, तो लोग जा रहे हैं मक्का को जा रहे हैं, तो वो क्या कर रही है कि बाहर दरवाजे के बाहर अपनी कुटिया के बाहर दिया लेकर जमीन को ऐसे ऐसे खोद रही है जमीन को। तो कुछ मुसलमान भाइयों ने पूछा, रबिया की गुम हो गया, आपका गुम क्या हो गया, दिन में दिया जलाया हुआ है, तेरी नज़र कम हो गई है? खतिया, नज़र भी कम हो गई पर मेरी एक खास चीज़ यहाँ गुम हो गई है। वो कहते क्या गुम हो गया? कहते सुई। कहते सुई कहाँ, तो काम कहाँ करती थी, काम तो मैं अंदर बैठे करती थी, तो सुई अंदर देख तो बाहर कहाँ है? कहती ले, मैंने सोचा कि जैसे तुम लोग भगवान को अल्लाह को वहाँ देखने जाते हैं, मक्का में जाते हो भगवान की खोज में, तो मैंने सोचा मेरी सुई भी बाहर ही होगी। बात को पकड़ा आपने? मैंने सोचा कि मेरी सुई भी बाहर ही होगी अगर भगवान बाहर है। वो कहते हैं अंदर है। तो कहती उसने उनको कहा कि मुँह तो वो अल्लाह भी तो तुम्हारे अंदर है, मोहम्मद भी तुम्हारे अंदर है, तुम कहाँ भटके फिरते हो? मेरी सुई तो मैंने पता लग गया कि मेरे अंदर है, मैंने ये सारा खेल तुम्हारे लिए किया है कि तुम कहाँ भटक रहे हो। क्या दुनिया इस बात को मानी? आज भी नहीं मानी। लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में, इतने महापुरुष बैठे हैं, उन्होंने बार बार सबने लिखा, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मन तू जो स्वरूप है अपना रूप पहचान, कभी किसी ने देखा कि मेरा मन ज्योति स्वरूप है कि नहीं? किसी ने कहा, किसी ने ख्याल किया? एक बात को भी नहीं कोई मानने के लिए तैयार, तो सभी अंधेरे में हैं। इसलिए ये लिख दिया मेरे स्वामी जी महाराज ने। फिर पढ़ो जय गान, आगे चलो। तन में तम का भंडारा, आगे चलो। स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भूलैया धर मारा। फिर स्वामी जी कहते हैं मैंने दो चीजें और देखी हैं, सपना भी देखा और जागृत भी देखी। मैं जागता हुआ भी देखता हूँ कि दुनिया है, सपने भी मैं दुनिया देखता हूँ। फिर मैं पहुंचा कहाँ? दोनों को देख लिया, ये दुनिया भी सपना है और मेरी जिंदगी भी सपना है। क्या कहा मैंने? क्या सपना है और है क्या? सोचो अपने आप को बैठकर, ये सारा संसार सपने सपना है और संकल्पमय है,
एक ख्याल आया उसके पीछे दौड़ पड़े और अपनी जिंदगी को उसी में बता दिया, दूसरा ख्याल आ गया उसको ले लिया, किसी को अपना बना लिया, किसी को पुराया बना लिया, किसी के साथ रिश्ता जोड़ लिया, किसी के साथ दोस्ती बना ली। ये है क्या, कितनी देर तक रहता है? कुछ भी नहीं रहता। इसलिए उन्होंने कहा ये सपना बाहर भी सपना थे अंदर भी सपना। जब तुम रात को सो जाते हो, सुबह उठते हो, कभी कभी तो महसूस करते हो कि मैं कहाँ था, कभी कभी महसूस अगर नहीं करते आप तो करके देखो। जब आप उठते हो रात को सो जाते हो तुम्हें पता होता मैं किस शहर में सोया हूँ, किस मकान में सोया हूँ, कौन मेरे इर्द गिर्द हैं, कौन मेरे रिश्तेदार हैं, कौन, तुम्हें पता होता कुछ? जब जागते हो थोड़ी सुरत आती है तो सब कुछ आ जाता है तुम्हारे सामने, फिर सो जाते हो फिर भूल जाते हो। क्या कहा मैंने? तो जिंदगी भी सपना है, जागृत भी सपना है, और सपना तो सपना है ही। इसलिए जो जिंदगी को खुशी से गुजारो, इस मालिक के शुक्रगुजार होते हुए गुजारो। तुम उस पर विश्वास तो करके देखो, कैसा विश्वास? मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, मीरा ने जहर पी लिया उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। क्या तुम्हें ऐसा विश्वास है कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है? तुम तो अगर कुदरत ने थोड़ा सा भी काम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कर दिया तो तुम रब भगवान को ही गालियां देने लग जाते हो। देखो पूछो अपने आप को, तुम उसको भी नहीं छोड़ते, तुम हर चीज चाहते हो कि मेरे मन के मुताबिक हो, मेरी इच्छा के मुताबिक हो, जो मैं कहता हूं वो मुझे मिलना चाहिए। तुम्हें क्या पता वो तुम्हें क्या दे देगा? तुम्हारी मांग वो बेहतर जानता है, बाप को पता है बेटे को क्या चाहिए, इसलिए उसको पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूं, पकड़ने की कोशिश करो। तुम मानो सही कि वो है, कोई देवी देवता तुम्हारी मदद, हो सकता है तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी हो जाए। मैं नहीं इसका इनकार करता, किसी को तुम मानते हो तुम्हारी को मनोकामना पूरी हो जाए, वो कुछ नहीं देता, वो पहले ही बना हुआ है, वो ही तुम्हें मिलेगा उससे ज्यादा। बाबा फकीर जी कहा करते थे, तुम्हारी किस्मत एक गड़बी है, गंगा से भर लो चाहे समुद्र से भर लो चाहे कुएं से भर लो, वो ही मिलेगा जो तुम्हारा निश्चित है। तुम क्यों हाय हाय करते हो? तुम उसको होके तो देखो। जब कह दिया गुरु महाराज ने कह दिया, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, इससे बड़ी और क्या बात कह सकता है महात्मा, कि तू मेरा हो जा तेरी दुनिया तेरी हो जाएगी। क्या कहा मैंने? लेकिन क्या हम उसके होते हैं? नहीं होते, हम नहीं उसके होते, हम हैं सही किसी के, किसी के होए हुए हैं हम, क्योंकि मन सहारा चाहता है। तुम भी सहारा लेते हो, लेकिन तुम माल के कुल का सहारा क्यों नहीं लेते? जो माल का है, जिसके हम बच्चे हैं, यहाँ से हम आए हैं, उसी का सहारा क्यों नहीं लेते? क्यों भटकते हो? क्यों भटक रहे हो? किस लिए भटक रहे हो? आगे देखो दाता स्वामी जी क्या कहते हैं, आगे पढ़ो। जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा। कहते हैं जीव अजान है, अनजान है जीव, हर इंसान अनजान है और अपने घर को ही, अपने देश को ही बिसर गया, भूल गया, मेरा घर, मेरा घर ये नहीं है, ये घर है हमारा, जहाँ हम रहते हैं वो हमारी जिंदगी के लिए, उस मालिक ने हमारे जीवन को हर तरह का सुख दिया क्योंकि हमने उसको मान लिया कि वो मेरा है, वो सुख देगा, जरूर देगा, मान के देख लो। मगर तुम तो भटक जाते हो, तो इसलिए कहते हैं ये जीव अजान है, अनजान है, ये समझता नहीं है कि मैं जहाँ कब आया, कहाँ कब तक आया, कहाँ कहाँ तक जहाँ हूँ मैं, और फिर मैं कहाँ जाना है, जे अपने देश को ही भूल गया। फिर पढ़ो यही लाइन। जीव अजान भया परदेसी, देश बिसरे गया निज सारा। हम सब पर
परदेशी, बहुत ऊंची बात कही दाता दयाल जी स्वामी जी महाराज, हम परदेशी हैं। जैसे हम कहीं टूर पर जाते हैं, सैर करने जाते हैं ना, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, लेकिन वापसी टिकट हम पहले ही ले लेते हैं कि हमने वापस अपने घर आना। ऐसे ही है ना, मैं अमेरिका जाऊंगा तो मैं पहले टिकट लूंगा जाने वाला, फिर मैं वहीं से उसी वक्त टिकट ले लूंगा वापस, मैंने यहीं आना भाई, अपने घर आना है। लेकिन जहां से हम आए हैं हमने वहां भी जाना है। वहां का टिकट क्या है? वहां का भी टिकट है, वो है नाम, वो है नाम। जो वहां का टिकट है वो किसका दिया हुआ? किसी सतपुरुष का दिया हुआ एक विचार है, एक सतपुरुष की दी हुई टच है, एक सतपुरुष का दिया हुआ शब्द है, जिसके सहारे हमने वहां पर जाना है वापस। क्या कहा, हमारा घर है, वो है। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगमा पारा, कबीर साहब ने कहा। द्वादश पार साहेब का डेरा, कबीर साहब कहते द्वादश पार 10 जमा 2 12, शरीर के 6 केंद्र, सिर मन के केंद्र, इनसे परे तुम्हारा घर है। कहा, यहाँ घर है, यहाँ घर है, इस ब्रह्मन से परे हमारा घर है। ये पिंड है, ये अंड है, ये ब्रह्मांड है। ऐसे ये दुनिया क्या है? पिंड है, इसके ऊपर ब्रह्मांड है, उसके ऊपर अंड है, उसके ऊपर ब्रह्मांड है। 3 लोग है, ये 3 लोग इसको कहते हैं, 3 लोग। हमारे भी 3 लोग हैं, इस ब्रह्मांड के भी 3 लोग हैं। तो हमारा घर कहाँ है और वहाँ कैसे जाएंगे, आगे पढ़ो। फिरे भटकता खान खान में, जोनी जोनी बीच झक मारा। अब वो कहते हैं कि क्योंकि ये अंधेरे में है, इसको ज्ञान नहीं, इसको समझ नहीं, इसको अच्छी संगत नहीं मिली, इसको अच्छे विचार नहीं मिले, तो ये क्या कर रहा है? ये भटक रहा है, कभी चेलों के पास, कभी मंदिरों में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, और सब जगह मिट्टी खा रहा है। क्या जक मारना क्या होता है? भटकना, तो चलो यहाँ नहीं वहाँ, चल वो कल परसों, कभी कभी मुझे बच्चे दे देते हैं कुछ देखने के लिए। एक काली कमली वाला होया राजस्थान वाला, वो बड़ा चलिया जी के तुसी जाओ तुहाडे लकवा जिहड़ा मारे है ना, किसी का शरीर बिंगा, किसी का सिर बिंगा, किसी की लत्त, वो ठीक कर दिंदा। एक भी कोई ठीक नहीं होया, वो भी दुकान बंद हो गए। एक होर नौजवान जिहा बन गया संत, चक्के लाला उनकी कीता, एक अडंबर बनाते हैं ना, 5-10 आदमी अपने साथ लगा लो और 5-10 बीबियां लगा लो, उन्होंने फीस रख दो, थानू 10,000 तेन दूंगा, 20,000 तेन दो, तू प्रोपेगंडा कर। वो प्रोपेगंडा शुरू हो गया, फिर तुसी पहला जाओ ते एक तुसी पर्ची कटाओ पैसे जमा करा के, उत्थे दसो तुहाडा नाम की है, तुसी क्यों आए, कितों आए, की दवाई खाधी, कितो, सारी पर्ची लिखा ले, पैसे जमा कराते, ठीक है, लाइना लग गई। वो पर्ची फिर गां उस मुंडा बैठा है सिंघासन से, इदा लगी है टिक्के लाए बड़े टौर ला बड़ा, और फिर वो पर्ची वो कोल पहुँच जाती, वो फिर लाइन बारी रेंज इदा ने किया भी वही बंदा उत्थे बिठाओ जिन्हों वो बचा बताएगा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। वो कह इस नाम वाला आ जाओ भाई, क्योंकि पर्ची वो कोल है, वो आ जाएगा। अच्छा वहाँ से आए हो जी? आए हैं। आप कितने बच्चे हैं? जी महाराज जितने बच्चे हैं। तुम्हारे घर में कोई बीमारी? जी महाराज है बीमारी, क्योंकि लिखे है ना उसे सारा कुछ, उन्हें तो सब कुछ लिखे है। चल बेवकूफ बनेगा, लुट गया उत्थे, वो भी उसका भी पुरुष ने कल परसों पंडा पर तोड़ दिता, लो जी एक खेल है। वो मेरे देश में तो तुम बिजनेस कर लो, 10 बंदे बना लो और तुम्हारी बल्ले बल्ले शाह हो जाओगी। कहाँ जाओगे, कितनी देर चलेगी वो काठ की हंडिया? बहुत देर नहीं चलती और झूठ नहीं चलता। मैं बड़ी गल देख के सुन, मैं कह लवे आ देखो ऐदा होना चाहिए। ये सारे जिन्हें डेरे वाले ना ना इन्हों की इन्होंने ईडी लगनी चाहिए, ईडी ईडी जानते ना,
लगने चाहिए इन्होंने उत्ते। और जो बंदे मेहनत करके रोटी कमा के खा रहे हैं, फैक्ट्रिया चला रहे हैं, लोगों रोटी दी मजदूर कम करते सौ सौ आदमी उन्होंने रोटी दी परिवार पाल उन्होंने पिछले लाए हुआ कि उन्होंने फड़ो जी उन्होंने फड़ो वो इन्होंने फड़ो जो ठा गया सामने बैठ के खा रहे सानू लुट रहे हैं सारे। क्या कहा मैंने, मैं दर्द दिल से कह रहा हूँ, मेरा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन जब हमारे जैसे मेरे रूप को मेरे रूप को मेरे रूप में है ये सारी दुनिया, मेरे रूप के साथ जब ऐसा व्यवहार हो रहा होगा तो मुझे दुख होता है कि मेरे मालिक के जे बच्चे अज्ञानी हैं, इनको समझ नहीं, इनको गुरु नहीं मिला, ये भटक रहे हैं और ये इनको लूट रहे हैं। क्या कहा मैंने, मैं बात ऊंची बात कर रहा हूँ। इसलिए क्यों हम भटक रहे हैं, भटक इसलिए रहे हैं कि हम आशा के मारे हुए हैं, हम कामनाओं के मारे हुए, मेरी ये भी पूरी हो जाए, मेरी ये भी पूरी हो जाए। अच्छा किसी ने बोला वहाँ जाओ, एक बीबी आई है जहाँ लुधियाने से कहाँ से इतवार को भी आई थी कि हमें बताया किसी ने कि मानवता मंदिर में जा तेरा वहाँ दुख दूर हो जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ गई होगी बेटी बेचारी। मैंने कहा बेटी मैं आप तो जा रहा हूँ, मैं तू इतवार को आप आई है बीबी सुनूंगा इसका दुख सुनूंगा, क्योंकि बताया जाता है आगे के आगे बताया जाता है। यहाँ लूट नहीं है, यहाँ बाबा फकीर कहा करते थे सिंगों के लहंडे नहीं शेरों की टोलियां नहीं होती है, हंस ना चले कतार हंसों की कतार भी नहीं होती, लालों की नहीं बोरियां। बाबा फकीर जी कहते लालों की बोरियां नहीं होती, संत ना चले जमात संत की कोई जमात नहीं होती है। वहाँ लाउड स्पीकरों पर ये नहीं कहा जाता ए बाबा जी आए थे मेरा ये काम कर दिया, बाबा जी आए थे मेरा ये काम कर दिया, यहाँ ये बात अलाउड नहीं है। जिसका जी चाहे मेरे दाता ने कहा, जिसका जी चाहे मेरे सत्संग में आए, जिसका जी चाहे ना आए, जिसका जी चाहे मेरी किताब पढ़नी पढ़े, जिसका जी चाहे ना पढ़े, ये है सत्य बात। क्या कहा मैंने, तुम्हें आजाद करने के लिए आया है बाबा फकीर, तुम्हें बांधने के लिए नहीं आया, वो तुम्हें आजाद करना चाहता है भ्रमों से और तुम्हें अपने अंदर में बिठाना चाहता है कि तुम्हारे अंदर है सब कुछ जो कुछ है, क्यों भटके बैठते हो तुम बैठकर देखो तो सही, तुम ठहरो तो सही, तुम विश्वास तो करो, तुम में थोड़ी थोड़ा शबर तो आना चाहिए, फिर देखो कैसा तुम्हारी जिंदगी में खेल खेल होता है, मेरा आजमाया हुआ है। क्या कहा मैंने, मैं यूं ही नहीं यहाँ आकर आपके पास बोलता हूँ, मेरा कोई मिशन है। मिशन क्या है कि बाबा फकीर की बात को आप समझो और जीवन में मेरे तरह की बन जाओ, संपन्न हो जाओ, तुम्हें कोई कमी ना रहे, तुम्हें मांगने की जरूरत ही ना पड़े, तुम विचार पहले करो चीज तुम्हारे पास पहले पहुंच जाएगी। क्या कहा मैंने, इसलिए क्या कह रहे स्वामी जी, कह रहे कि अनजान जीव है और तुम्हारे इग्नोरेंस ने तुम्हारे अज्ञान ने तुम्हारे अनसमझ ने तुम्हारी कामनाओं ने तुम्हें भटकाया हुआ है। बाबा फकीर जी ने एक बात सुनाई, वो सुना देता हूँ। चोपड़ा जी परमदयाल जी महाराज ने बताया पाकिस्तान की बात, शायद आप सुनी भी होगी कि नहीं। पाकिस्तान में एक मज़ार है बहुत बड़ा मज़ार, किसी साधु संत का जगह है, वहाँ हर साल एक मेला लगता था और सूफी गाने वाले जाते थे, सूफी जो सूफियाना गाते हैं मालिक के नाम पर अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, मस्तियाँ लेते हैं वो। एक वहाँ लड़की भी आया करती थी मत्था टेकने, उसकी बढ़िया उसमें आस्था थी उस महापुरुष की जगह में। उसने कहा बाबा मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। कहा बेटा गाओ। उसने बहुत प्रेम से उस पीर के नाम पर श्रद्धा के सुमन भेंट किए कि तुम ही हो सब कुछ देने वाले और तुम देते हो जो भी मांगो मिलता है। वो जो वहाँ संत बैठा था उस गद्दी पर, उसने जब गा हटी बहुत मस्ती में तो उसने कहा बेटा मैं बहुत खुश हुआ, बड़े गाने वाले आते हैं लेकिन जो आपने बात कही
मैं बहुत खुश हूँ, मांग ले जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा। ये सूर बाबा फकीर जी ने बात बताई हुई है। उन्हें कहा महाराज पीर जी ने मुझे पहले ही बहुत कुछ दिया है, मुझे कोई मांगने की जरूरत नहीं है। उसने फिर कहा बेटी दूसरा वचन है मांग ले। उसने फिर अर्ज की बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ऊपर मेरे गुरु का बहुत आशीर्वाद है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। उसने फिर तीसरी बार कह दिया तीसरा वचन देता हूँ बेटी। उसने कहा लड़की ने कि महाराज अगर आप इतने प्रसन्न हैं तो मेरी बेनती है कि आप मुझे वो दीजिए जो मेरी किस्मत में नहीं है, वो वरदान दे दीजिए और वक्त से पहले दे दीजिए, क्योंकि बाद में आया क्या लेना मैंने, और वक्त से पहले दे दीजिए और वो दीजिए जो मेरी किस्मत में नहीं है। तो वो संत उठे और अपने कमरे में चले गए जिन्होंने ये कहा था मांग ले। कमरे में जाकर मुंह काला किया, मुंह काला करके बाहर आ गए और कहा बेटी मेरे में ये ताकत नहीं है, मैं अहम में आ गया कि मांग ले मैं तुम्हें देता हूं, जो लिखा है तुम्हारी किस्मत में वो ही मिलेगा। ये बात हजूर ने यहां से इस स्टेज पर बैठकर हमें सुनाई हुई है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता, तुम लोगे तो अपने विश्वास से ले लोगे, तुम लेने वाले हो, देने वाला कोई नहीं है। वो क्या है, विश्वासम फलदायकम, विश्वास तुम्हें सब कुछ देता है, विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है, विश्वास जहर को अमृत बना देता है, विश्वास सांप को फूलों का हार बना देता है। कौन सी चीज है वो, विश्वास। इसलिए संत मत में कहा गया है संत मत का मैं पुजारी हूँ, उन गुरुओं की वाणी का मैं मानने वाला हूँ जिन्होंने कहा गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहीं नहीं लिखा के भगवान ने तुम्हें मोक्ष देना है, कहीं नहीं लिखा के मूर्ति की पदम पूजा करने से तुम्हें कुछ मिलेगा। क्या कहा मैंने, गुरु है ही सब कुछ जो कुछ है। और गुरु क्या है, गुरु की वाणी, गुरु का विचार, गुरु का ज्ञान, गुरु का अनुभव, गुरु की समझ, गुरु का विवेक, जो वो तुम्हें बांट देता है उसको संजो लो और उस पर चलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बिन मांगे सब कुछ देते हैं मेरा सतगुरु परम दयाल, मैं तो जे गाया करता हूं, मेरे गुरु से मांगने की जरूरत नहीं है, तुम उसके हो जाओ और उसी को मांग लो, बस मैंने तो उसी को मांगा, मैं किसी को नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। क्या कहा मैंने, तो देखो ये क्या कहते हैं संत, क्या कहते हैं, तुम सत्संग में आए हो, कुछ ले जाओ अगर ले जा सकते हो, आगे पढ़ो। दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहु हारा। कहते हैं हर इंसान दुखी है, सांस सांस में दुखी है, उसको कौन बताए कि तू क्यों दुखी है भाई। फिर पढ़ो ये लाइन, क्या कहते हैं, दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहु हारा। कौन कौन सुनता है दुखी को, जाओ छो जा रहे तब हर बेले रुंदा ही रुंदा। देखा नहीं मैंने दुनिया को, देखा मैंने, धनी हो तो सभी तुम्हारे दोस्त, गरीब हो तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा। क्या कहा मैंने, यही कहते कोई नहीं सुनता, उसकी कोई सुनता नहीं है जो कष्ट में है, जो दुख में है। लेकिन सुनने वाला कौन है, एक फकीर है, एक संत है, एक गुरु है, वो दिल से सुनता है और दिल से अगले के दुख को दूर करने के लिए बैठा है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको ये चाहिए कि तुम आए हो तो सुखी हो जाओ, तुम आए हो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाए, तुम आए हो तो तुम्हारे मन की कमजोरी दूर हो जाए, तुम अपने आप में ठहर जाओ,
वो सारी चिंता तुम्हारा क्या कहिए गुरु परमदयाल जी महाराज का, और तुम कुछ नहीं देते, तुम अपनी चिंता ही मुझे दे जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी चिंता दे जाओ मुझे, खुश रहो। यही स्वामी जी ने एक वाणी में लिखा है, जे करनी में आप कराऊं पहुंचाऊं धुर दरबारा। स्वामी जी लिखते मैं तुम्हारे से ये काम खुद करवाऊंगा और तुम्हें अपने घर पहुंचा दूंगा, तुम क्या करो, तुम अचिंत रहकर धरो प्यारा, तुम चिंता छोड़कर प्यार करना सीखो। किससे? गुरु से। कहाँ है वो गुरु? वो व्यास में बैठा है जो यहाँ बैठा है मानवता मंदिर में या किसी और जगह? वो तुम्हारे घट में बैठा है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। तेरे विश्वास में तो वो है, तुमने विश्वास समझा कि वो वहाँ है, किसी और जगह है? नहीं है, जहाँ तुम हो वही वो है। 24 घंटे तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, मगर तुमने उससे मुख को मोड़ा हुआ है, इसलिए हम दुखी हैं। आगे पढ़ो। करे पुकार कार गर नहीं, कहते पुकार बड़ी करते है दुखी आदमी, मेरा ये कर दे, मेरा ये कर दे, मेरा, उसकी पुकार को कोई नहीं सुनता। मैं आपको एक खास बात कहने जा रहा हूं, तुम्हारा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारी आरती, तुम्हारा गाना, तुम्हारा बजाना, उसके गुण गाना पार नहीं करेगा। बात को नोट कर लो, कौन पार करेगा तुम्हें, तुम्हें कौन पार करेगा? ये चीजें तुम्हें पार नहीं करेंगी, तुम्हें पार करना है गुरु के ज्ञान ने, पास करना है गुरु के ज्ञान ने तुम्हें। कहते ज्ञान क्या करता है? ज्ञान मोक्ष देता है, गुरु और कुछ नहीं देता। गुरु उस रास्ते का मार्ग, वो रास्ता बताता है, वो मार्ग बताता है, वो रैली बताता है, जिस पर चलने से तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाता है और तुम्हें आगे अपनी जिंदगी का भी पता लग जाता है कि तुम हो कौन। क्या कहा मैंने? इसलिए प्रार्थना करने से कुछ नहीं। कल मुझे रात भी एक मैसेज आया इंग्लैंड से एक डॉक्टर साहब का कि पिताजी मैं आपसे एक सवाल, टाइम नहीं है तो इसलिए मैं आपको वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ, क्या इंसान की प्रेयर, इंसान की प्रार्थना कुछ कर सकती है? मैंने उसको लिखा बेटा इस वक्त लेट टाइम हो गया है, मैं कल होशियारपुर से आकर तुम्हें जवाब दूंगा। तुम्हारा साथ किसने देना? कर्म ने देना है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तै सुफल चखा। तुम्हारा कर्म इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी पूजा पाठ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबा फकीर ने ऊंची आवाज से कहा, ए इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप। कोई कहता आज तक किसी माई के लाल ने कहा? सभी कहते हैं ये करो ये करो, एक नाम जपो ये नाम जपो, और एक संत आए आवाज दे गए तू राम नाम जप चाहे ना जप। क्या कर? अपनी नीयत को ठीक रख और अपना कर्म ठीक कर, बस ये है अल्टीमेट सर्च संतों की, ये आखिरी स्टेज है संतों की। वहां क्या होगा? क्या वहां कर्म देखा जाएगा? तुमने कर्म क्या किया? माला नहीं देखी जाएगी, माला नहीं, माला मन से फेरी जाती है, वहां मन है ही नहीं। क्या कहा मैंने? जो मन का काम है वो मन का दायरे में है, वहां जाएंगे तो मन नहीं है। अगर वहां भी तुम्हारा मन साथ है तो तुम्हारा जन्म मरण कभी खत्म नहीं होगा। क्या कहा मैंने? अबे कुमार
अगर वहां भी तुम्हारा मन मरने शरीर को छोड़ने के बाद भी तुम्हारा मन है तो तुम पार नहीं जा सकते। गुरु ने तो भेद दिया और तुम्हें चिताया, संत मत धार ही तज मोह माया के इस मन के चक्कर से तू बाहर हो जा। तू असल में मन नहीं है, तू असल में शरीर भी नहीं है, तू असल में आत्मा भी नहीं है, तू इन तीनों का सरदार है, तू इन तीनों का मालिक है, तू उसको पहचान। फिर देखिए तीनों क्या खेल खेलते हैं। क्या कहा मैंने, बात ऊंची बात कह रहा हूं, क्योंकि ये डेरा ही सतगुरु बाबा फकीर जी का है, परमदयाल जी महाराज का है। यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ सत्य बात कही जाती है और सत्य बात हमेशा कड़वी होती है। दुनिया चाहती है कि बोलने वाला तुम्हारे मन की बात करे, कोई मनोरंजन की बात करे, कोई हंसने की बात करे, तब तो तुम खुश होते हो, या तो हंसी ले ली जाती है और तुम्हें मन से परे भेजने की कोशिश की जाती है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। भटके भटके नर देनी पाई, इंद्री मन मिले मारा। इसको किसने मारा, इस इंसान को मारा किसने? इसके पास पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, बुद्ध है और उसके आगे अहंकार तुम्हारा अपना रूप है। तुम 14 कला संपूर्ण हो, तुम 14 कला संपूर्ण हो। दुनिया में कोई और जीव जंतु 14 कला संपूर्ण नहीं है, कोई जीव जंतु 5 तत्व का नहीं बना हुआ है, कोई 2 तत्व का है, कोई 1 का है, कोई 3 का है, कोई 4 का है, हम हैं जो 5 तत्व के बने हुए हैं। इसलिए सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर में है, जो ब्रह्मांड में है वो यहाँ है, मेरी बात समझ। लेकिन हुआ क्या कि बाकी जितने भी जीव जंतु हैं उनका मन तो है लेकिन उनके पास कर्म इंद्रियां नहीं है, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो सूंघ लेते हैं, वो देख लेते हैं, बात समझ गए। जो चीज खाने वाले होते वो खाएंगे, जड़ी नहीं खाने वाली छोड़ देते हैं, देख लो जानवरों को देखकर, बात समझ गए। लेकिन हम हैं इंसान, 5 तत्व के पूरे, मन बुद्ध चित्त अहंकार रखने वाले और कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां रखी हुई हैं, लेकिन हम अपने मन के मारे हुए हैं। मन ने हमें यहां से आंख में बैठा भटका दिया, हमको कान में आ गया बुरी बुरी बातें शरीर तो भटका दिया, हमको खाने लगे तो स्वादों के पीछे पड़कर हम लुट गए, और अगर शरीर के प्रयोग में चले गए तो हम अपने सत्यानाश ही कर लिया। क्या कहा मैंने, मन ने हमें मारा, आपको किसी ने नहीं मारा, क्योंकि ये इंद्रियों का दास हो गया, इंद्रियों का अपना प्रयोग बना लिया, इसने अपने आप को नहीं पहचाना कि ये है क्या। इसलिए कहते स्वामी जी महाराज, फिर पढ़ो यही लाइन, करे पुकार पुटा भटके भटके नर देनी पाई, इंद्री मन मिले मारा। इन चीजों ने हमें मार दिया, हम इंद्रियों के पीछे चले गए, इंद्रियों के टेस्ट देखे, आंखों ने सुंदरता देखी, कानों ने बुराई सुनी, खाने वाले बढ़िया बढ़िया प्रसाद, बढ़िया बढ़िया चीजें भर लिया, जहां तक हो सका खा लिया, बात समझ गए ना। ये चीजें हमारे नुकसान की हैं, इसलिए संतों ने तो बात ऊंची बात कही, थोड़ा थोड़ा खा तेरे पले की कहूँ स्वामी जी। बाबा फकीर ने तो फैसला ही कर दिया, जब तुम्हें चीज खाने को स्वाद लगे उसने खाना बंद कर दो। कितनी बड़ी बात है, करो देखो, करके देखो, जरा आप करके देखो, क्या तुम जब स्वाद चीज लगती है तुम उसको रोक सकते हो कि बस मैं नहीं खाना, तुझे तो कहने होर पा दे चमचा, वहां आपका पता लगेगा कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ क्या खेल कर रहा है। मेरी बात समझ गए आप लोग, वहां शुरू वहां से करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे चलो। सतगुरु संत कहे बहु तेरा राह बता
द्वारा। अब कहते हैं मेरे देश में कितने संत हैं, कितने महापुरुष हैं, कितनी कथाएं हो रही हैं, कोई है हिसाब? कोई नहीं पता लगता। वो कहते तुम्हें समझा रहे हैं भाई, पता नहीं समझाते होंगे कि नहीं, लेकिन बाबा फकीर ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी कि तू दसवें द्वार में जा। जैसे बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते कहा करते थे, दस द्वार नंगो तके सतगुरु खड़ा। दस द्वार केड़े हुए? दस द्वार है महासुन से आगे, जहां ना शरीर है ना वहां मन है, वो है अगला द्वारा। क्या हम शरीर के सदी सब सुन करते हैं? क्या हम ये डेढ़ घंटा बैठ सकते हैं? क्या हम मन के साथ युद्ध लड़ते हैं? क्या हम मन के साथ सुबह बैठकर करते हैं कोशिश? बाबा जी कहा करते थे, रोज कबड्डी खेलो मन के साथ, अंदर बैठकर अपने इसको हराओ और अपने अंदर वहां पहुंचो, जहां पहुंचो, जहां पहुंचो, जहां जाओ, जो कुछ है तुम्हारे अपने घट में है, फिर वो सब तेरे को देने के लिए तैयार बैठा है। यही कहते हैं क्या संत? सभी कहते हैं कि तुम भाई इस नौ द्वारे छड़, नौ द्वारे क्या, मूलाधार से चलकर यहाँ तक, ये नौ द्वारे, और वो यहाँ 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 से जहाँ मन इकट्ठा होता है, फिर सतल कमल आता है जहाँ मन विचार लेता है, फिर अगर त्रिकुटी आती है जहाँ तुम गुरु को देखने की कोशिश करते हो, आगे सुन आता है शरीर सुन हो जाता है, आगे मां सुन आता है तो मन भी खत्म हो जाता है, फिर आगे तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान होता है, हो मैं तो मन हूँ ही नहीं, मैं शरीर भी नहीं हूँ, शरीर सुन था फिर भी मैं था, मन शांत था मन था ही नहीं फिर भी मैं था। बात क्या कहा, जब अंदर कोई रूप रंग नहीं था तो भी मैं था, जब दुनिया नहीं थी तो भी मैं था, फिर वो उसकी खोज करता कि फिर मैं कौन हूं, फिर गुरु आता है, बाप पकड़ लेता, चल बच्चा हूं तेन दस देना तू को बू आ जू, तुम क्या हो, तुम मेरा ही अंश हो, तुम मेरे वंश का हो। क्या कहा मैंने, इसलिए संत कहते हैं कि क्या कहा, संतों ने कहा तू मन शरीर मन और आत्मा से आगे जाने की कोशिश कर, तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, तुम्हारी मूर्ति पूजा, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे व्रत, तुम्हारे तीर्थ, तुम्हारे सब कुछ तुम्हें अंदर नजर आएंगे कि ओहो मेरे तो घट में गंगा है, मेरे घट में ही जमुना है, मेरे घट में ही सरस्वती है, मेरे घट में सूरज है, मेरे घट में चांद है, और मेरे घट में तो सारा ब्रह्मांड है। क्या कहा मैंने, फिर कहाँ भागेगा आदमी, कहीं नहीं। ये कहाँ से मिला, जे गुरु की संगत से पता लगता है। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दाता दयाल जी कहते हैं, क्या कहा उन्होंने, घट में हूं, ऐसा एक शब्द है उन्होंने दाता दयाल का, मैं तो तेरे घट में हूं, विश्वास से ढूंढ ले, ढूंढ लो मुझको वही, मैं तो तेरे घट में हूं, ढूंढ लो मुझको वही, हाँ मैं तो हूं घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही, ये उनका शब्द है, मैं तो हूं घट में तुम्हारे। परमदयाल जी महाराज ने लिखा कहा करते थे कि मैं समझता था कि जब मैं गुरु को दर्शन करना चाहता था तो मैं बैठ जाता था और सिमरन करता था तो गुरु की मूर्ति अंदर देख ले तो मैं खुश हो जाता था, गुरु तो मेरे पास है। लेकिन फिर दाता दयाल ने कहा, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासोश्वास। कहते जब उन्होंने ये कहा तेरे श्वासोश्वास तो मैं समझा कि श्वास तो फिर वो जो रूप में देखता हूँ तो मेरा मन देखता है, तो श्वास कौन ले रहा है, फिर उसकी खोज की, वो सांस लेने वाले तुम हो। सांस गया पंछी गया,
क्या कहा मैंने, सांस कौन ले रहा है? तुम ले रहे हो सांस? पूछो अपने आप को, तुम अपने आप को पूछो, तुम अंदर में क्या करते हो? तुम्हारा अंदर में जो कुछ खेल हो रहा है, तुम्हारे शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, तुम खाना खा रहे हो, पच रहा है, मल जा रहा है बाहर, पानी भी बाहर जा रहा है, पानी बनकर चला गया, भोजन का मल बनकर चला गया, तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, आप मेरी बात समझ गए? तो वो कौन कर रहा है? तुम्हारा सांस चल रहा है, तुम तो सो जाते हो, सांस चल रहा है, कौन है वो सांस चलाने वाला? उसकी खोज करो, ढूंढ मुझको अपने मन में, ढूंढो कौन है वो। मन से आगे है वो, मन में नहीं है, मन में मूर्ति है, मन में श्रद्धा है, मन में विश्वास है, मन में प्रेम है, वो तीन चीजें होनी चाहिए। अगर वो है तो फिर तुम वहां चले जाओगे, अगर वो नहीं है तो फिर नहीं दो। नो क्वेश्चन, गुरु से सवाल नहीं किया जा सकता। गुरु जो कहे सो सुंदर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो लोग गुरु से उल्टे सीधे सवाल करते हैं वो गुरु को पहचानते ही नहीं, वो मन के लेवल पर बात करते हैं। बात क्या कहा मैंने, गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, कबीर साहब ने कह दिया इंसान को गुरु मान लिया और उसी का ध्यान करते करते सारी उम्र गुजार देते हैं। ये ठीक है, ध्यान करो, कब तक? जब तक तुम्हें ज्ञान ना हो जाए, जब तक तुम्हें अनुभव ना हो जाए तब तक ध्यान करना चाहिए। और दुनिया में रहते हुए ध्यान की जरूरत है, मैं भी ध्यान करता हूँ, लेकिन मैं वो ध्यान नहीं करता जो दुनिया करती है, मैं ध्यान उस परम तत्व का करता हूँ, उस फकीर का करता हूँ जिसमें से प्रकाश और शब्द निकल रहा है। क्या कहा मैंने, उसका ध्यान करता हूँ, वो प्रकाशमय है, वो शब्दमय है, वो परम तत्व है, वो बदल जाता है इंसान का विश्वास जब चलते 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 वहां पहुंच जाता है, फिर उसकी हालत बदल जाती है। आगे बढ़ो। बचन न माने कान न पकड़े, फिर भर में नौ बार। कहते ये इंसान बात को नहीं सुनता और उस पर चलता नहीं है और बस अपने ही शरीर के द्वारों में घूमता रहता है। आगे। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे ना सत जुगते पारा। फिर पढ़ो। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे ना सत जुगत पारा। वो कहते हैं जितने मुझे एक बात कई दफा में सवाल निकलता है मेरे अंदर से कि जितने इस वक्त मेरे देश में धर्म हैं, क्या किसी संत ने उनको स्थापित किया? नहीं। गुरुवाणी में कहीं नहीं लिखा मेरा ख्याल है कि तुम वाणी पढ़ो तो तुम पार हो जाओगे। स्वामी जी महाराज ने शब्द लिखे, अपनी सार्वचन लिखी, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मेरी सार्वचन पढ़ोगे, शब्द गाओगे तो तुम पार हो जाओगे। महात्मा बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि मेरी पूजा करोगे तो तुम पार हो जाओगे। महावीर ने भी ये भी नहीं कहा कि मेरी पूजा करोगे तुम पार हो जाओगे। गुरु नानक साहब ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करोगे या मेरा जपजी साहब का तुम पाठ करोगे तो पार हो जाओगे। उन्होंने तो लिख दिया, क्लियर लिखा है वहां। क्या लिखा? मैंने पढ़ा है जपजी साहब को, अच्छी तरह से पढ़ा है, वहां लिखा है, बहुत प्यारा शब्द लिखा उन्होंने, आखिरी आखिरी जो पौड़ी है उनकी, जो आखिरी पौड़ी और शब्द उसमें लिखा है, देखो मेरे को जत पहारा, जत पहा कैसे जीवन जियो, कैसे जीवन जियो, प्रैक्टिकल कैसे रहना है तुमने, उनको लिखा महाराज जी ने, गुरु नानक।
जत पहारा तीरज सुनियार एहन मत वेद हथियार पाओ खन्ना अग्नि तपताओ भांडा पाओ अमृत चिटार करिए शब्द सच्ची टकसाल। नानक जिनकी नजर ऐसा शब्द है नजर निहाल जीने का राज बताया। पाओ क्या कहते हैं क्या कहा उन्होंने पाओ खल्ला अग्नि तपताओ पाओ अग्न अंदर अंदर अपनी अग्नि पैदा करो भांडा पाओ अमृत भांडा अमृत का भांडा अंदर तैयार करो भावना से प्यार से डिसिप्लिन से कंट्रोल में रहकर वो अंदर तुम्हारे शब्द पैदा हो रहा उसको लो और उस शब्द को सुनते तुम पार हो जाओगे। क्या कहा क्लियर लिखा उन्होंने और आखिर में शब्द जो उनका आखिरी जो श्लोक है उसमें कह दिया पवन गुरु लो बात ही खत्म कर दी प्राण ही गुरु है पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां बाचे धर्म हदूर करनी आपो अपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक थे वो उजले केती छुट्टी नाल वो कईयों को साथ ले जाते हैं। अब इससे परे बताओ तो और संत क्या कहे जीवन का राज भी बता दिया और क्या है हम वो भी बता दिया कौन जाएगा पार वो जाएगा जिसने इस बात को समझ लिया जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। बात वही है जो कबीर साहब से चली गुरु नानक साहब से चली वही दोबारा रिपीट हो रही है। हमारे दादा परमदयाल जी महाराज कहते थे कि है वही सब कुछ लेकिन बोतलें बदल गई शरीर बदल जाता है लेकिन वाणी वही आती है जो तुर्की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई वो उसमें तब्दीली नहीं आती है। क्या कहा मैंने इसलिए कहते हैं कि इंसान को तो विश्वास ही नहीं है अपने ऊपर विश्वास नहीं दूसरों पर तो क्या करना जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो वो दूसरे पर विश्वास कभी कर सकता है पहले अपने ऊपर विश्वास करो। यू आर ग्रेट तुम महान हो तुम किस्मत वाले हो तुम भाग्यशाली हो क्यों तुम एक सतपुरुष के सत्संग में आए हो तुम बाबा फकीर जी के दरबार में आए हो और अपनी इच्छा को प्रबल करो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी उसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन अगर आपको उसमें संदेह हो जाता है तो बाबा फकीर जी कहा करते थे मैं भी आशीर्वाद दे देता जा बच्चे तेरा काम हो जाएगा लेकिन तुम 10 दिन के बाद कहते कह सोचते तो पता नहीं बाबे ने कह तो दिता सी पता नहीं होना कि नहीं होना तो हजूर कहा करते थे वो पतंग की डोरी टूट जाती है वो पतंग उड़ता नहीं है वो रास्ते में ही रह जाता है क्योंकि तुमने उस शब्द के ऊपर विश्वास नहीं किया। क्या कहा मैंने आगे पढ़ो पानी माथे हाथ कुछ नहीं छीर मथन आलस तुम पानी तो बड़ा पानी की तो पानी मथ रहे हो पानी में से मक्खन निकालते हो वहाँ क्या मिलेगा मक्खन तो दूध जब दूध को मथलोगे तो तभी मिलेगा दही को मथोगे आगे करो जीव भाग कहूँ मैं क्या का बाहर भर में हो जा तो जीव बेचारा बाहर भटक रहा है मैं क्या कहूँ मेरे पास शब्द नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं क्या क्या बात करूँ क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है भटका हुआ है इसके अंदर भी ज्ञान नहीं है तो बाहर भी ये भटक रहा है। आगे पढ़ो अंतर मुख जो शब्द तमाही पामे मन को नहीं मारा तो कहते हैं ऐ इंसान तेरे अपने अंदर एक शब्द हो रहा है हर इंसान के अंदर वहाँ ना जाति का सवाल है ना पात का सवाल है ना धर्म का सवाल है ना देश का सवाल है सबके अंदर हर हर प्राणी के अंदर एक शब्द हो रहा है। ऐ इंसान तू उस शब्द को पकड़ ले
वो है असली डोर तुम्हें अपने घर पहुंचाने वाली, बाकी कोई चीज नहीं है। और उसका भेद किससे लेना है? सतपुरुष के पास बैठकर, वो तुम्हें बताएंगे, बच्चा आगे चल, मन को छोड़, तन को छोड़, आगे चल, आगे चल, आगे चल, वो तुम्हें वहां पहुंचा देंगे आगे का आगे। बिन सत गुरु और बिना सत सूरत कोई ना उतरे भव पार। कहते बिना सत गुरु, गुरु ने यहां कहा उन्होंने, अब जहां उन्होंने सतगुरु का शब्द यूज किया, सतगुरु कहाँ है? वो तुम्हारे अपने अंदर है, वो तुम्हारे अपने अंदर है, गुरु बाहर है। गुरु तुम्हें सतगुरु का भेद देता है, वो सतगुरु क्या? तुम्हारे अंदर ही प्रकाश है और तुम्हारे अंदर ही शब्द है, वो तुम्हें पार करेगा, दूसरा कोई नहीं पास कर सकता। आगे पढ़ो। यही बात भाकी मैं चुन कर अब तो मानो गुरु प्यारा। गुरु को प्यारियो, मैंने आखिरी बात कह दी है कि सतगुरु तुम्हारे अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर एक पुरुष है बैठा, वो तुम्हें रास्ता बताएगा, वो अनुभवी है, वो जानता है तुम्हारे मन की हालत को जानता है, वो तुम्हें ठीक रास्ते पर बता देते हैं। कहते मैं आखिरी बात ये कह दी कि तुम अपने खट में जाओ। बासुरु सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, तुम्हें जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, कोई तुम्हें दुख पैदा हो जाए, अपने कमरे में जाओ, ऐसा उनका कहना है। अपने कमरे में जाओ और उस मालिक को हाजिर नाजिर समझो कि वो हाजिर है, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, ऐसा उनका वचन है, ऐसा उनका वचन है। मैं ऐसा समझता हूँ कि वो क्या है, वो क्या है जो हाथ जोड़े? तुमने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया। क्या कहा मैंने? तुम जब अपने कमरे में जाकर ऐसे हाथ जोड़ते हो, तुम हार गए हो, तुमने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। ए मालिक, ये कष्ट आया है, ये तकलीफ आई है, ये दुख आया है, आप कृपा करो, बस तुम उसके हो गए, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तुम करके देखो, करो तो सही, इतना ही तजर्बा करके देख लो, तुम ठहर जाओगे, तुम्हारा भटकना खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। बस जब अकेले बैठो, अपने अंदर जाओ, देखो अंदर की हो रहा, तुम्हारे अंदर है सब कुछ, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। मेरे एक बड़े प्रेमी आए हुए हैं आजकल, अश्विनी कुमार जी अमेरिका से आए हुए हैं, मैं भी उनके पास जाता हूँ अमेरिका, तो उन्होंने बताया, कहते महाराज मैं आपको एक बात बताता हूँ। उनकी बहन थी अनीता, शायद आप जो आए हैं दिल्ली से वो जानते होंगे। तो कहते महाराज मेरे पता चला कि बाबा फकीर जी महाराज पिट स्वर्ग आए हुए हैं, तो मेरी बहन मेरे साथ थी छोटी, तो हम चल पड़े पिट स्वर्ग, दूर पड़ता काफ़ी, तो जब हम गए तो दूर से देखा गाड़ी चल रही थी, जब हम वहाँ पहुँचे तो हजूर परमदयाल जी महाराज, मैंने वो बहुत बड़ा उनको लोन है, डॉक्टर रामदेव राव का बड़ा भारी लोन है, तो वहाँ हजूर अकेले बैठे हैं कुर्सी के ऊपर। तो कहता मेरे को, कहती अनिता भाई रुको, देखो बाबा जी के शरीर से सारा ब्रह्मांड निकल रहा है, बाबा जी के शरीर से सारा ब्रह्मांड निकल रहा है, ये देखो देखो देखो, कहते देखो बाबा जी नहीं है वो, देखो उनके शरीर से सूरज चांद सितारे सब कुछ निकल रहा है। कहता मैंने तो सिर झुका दिया, हालांकि वो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी को ताया जी कहते थे, कहते मैं तो उनको ताया जी कहता था, तो मेरी आँख खुल गई, ओहो मैं तो भटका हुआ था, ये ताया जी नहीं है, तो मालिक कुल हैं। बात समझ गए?
मेरे बहुत तजुर्बे हैं लेकिन मैं बताता नहीं हूँ आप लोगों को कैसे कैसे होते हैं। जब तुम गुरु के हो जाते हो बच्चों, गुरु तुम्हारा हो जाता है, फिर तुम्हारे अंदर से बाकी सब कुछ निकल जाना चाहिए। क्योंकि दिल का हुदरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, बाकियों को छोड़ दे उसको बैठाने के लिए। तुम गुरु को भी मानते हो फिर भी इधर जाते हो उधर जाते हो उधर जाते हो, कभी उधर जाते हो कभी उधर जाते हो। तुम तो ना इधर के ना उधर के, तुम एक जगह ठहर के तो देखो। और ठहरे हुए ही पानी में कमल का फूल खिलता है, क्या कहा मैंने, चलते हुए पानी में कमल का फूल नहीं खिलता। तुम्हारा मन ठहर जाए फिर देखो तुम्हारी कैसे संभाल होती है। करो तो सही, करो क्या, पंजाबी में कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। या तो पढ़ने लिखने की जरूरत भी नहीं है, कोई शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्या करिए था, सुबह उठो नहाओ, एक जगह अपनी पक्की बना लो, बस वहां बैठ जाओ, अपने आप को उसके हवाले कर दो। ही विल टेक केयर ऑफ यू, वो खुद ही तुम्हारा संभाल करेगा। क्यों भटकते फिरते हो, कहाँ भटकते फिरते हो, तुम्हें किसी ने कुछ नहीं देना है, तुम्हें लूटा जा रहा है, लूट पड़ी है बहुत ज्यादा। इसलिए संत आते हैं वो लूट से बचाते हैं तुम्हें। तुम उन पैसों को अपने बच्चों पर खर्च करो, उनको अच्छी एजुकेशन दो। हाँ थोड़ा बहुत अगर तुम दान कर सकते हो करो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये नहीं कि सारा तुसी गुरु दी तरफ। बाबा फकीर जी महाराज कहते अज्ञान में मैं लुट गया, सोने के ताज बनाए, चांदी के हुक्के बनाए, जरीदार वस्त्र लेके पहुंचा मैं दाता दयाल जी की पूजा करने के लिए 1901 में। और उन्होंने मुझे क्या कहा, चेत 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 मेरे भाई, रासे करावे या भूला बरमाना। कहते मैंने क्या, तू तो भूलिया फिरदा, ये नहीं गल हो, इसके कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कहते मेरे को उनसे बहुत प्यार था, मैं वो प्यार नहीं कर सका जो उन्होंने कहते थे। ऐसे संगियों तुम्हारा भला हो, तुम्हारी संगत से मुझे पता चला कि गुरु से प्यार कैसे किया जाता है। वहां ना धन देने की जरूरत है ना कुछ देने की जरूरत है, गुरु की वाणी से प्यार करो है। समझ गया मेरी बात को, आगे पढ़ो। राधा स्वामी का बुझाए सूरत चढ़ो लभ द्वारा। वो कहते हैं राधा स्वामी आपको कुछ कह रहे हैं, तुम अपनी सुरत को, सुरत तुम हो शरीर नहीं। उन्होंने मन को नहीं कहा कि मन को ऊपर ले जाओ, मन तो यहाँ से ऊपर जाएगा ही नहीं, यहाँ इसे ही रह जाता है, यहाँ नहीं जा सकता मन ऊपर है से, इसके तो वहाँ बुद्धि भी नहीं है, ना वहाँ मन है, ना वहाँ बुद्ध है, ना वहाँ अहंकार है, ना वहाँ चित्त है, चारों ही खत्म। चित्रकूट, उसको चित्रकूट कहते हैं, जहाँ चारों काम करते हैं वो खत्म हो जाता है। बात समझ गए, मन आगे नहीं जाता, तुम जाओगे। और तुम कौन हो, मन शरीर, मन आत्मा से परे एक बहुत सुंदर रूप है तुम्हारा, उसी में से सब कुछ निकलता है, वो विटनेस है तुम्हारा, तुम क्या खेल खेलते हो, वो दखल नहीं देता। जब उसको पहचान जाओगे तो बस मस्ती आ जाएगी, क्या कहा मैंने, पढ़ दो आखिरी है जी, हाँ पढ़ो खत्म करो। राधा स्वामी का बुझाए सूरत चढ़ाओ नभ द्वारा, खत्म। तो मैंने बहुत कुछ कहा, हो सकता है कुछ बातें आपको पसंद ना आई हो सकता है, क्योंकि मैं तो अब वो बात करूंगा जो मेरे दाता ने मुझे बताई। हो सकता है तुम्हारी वहां तक पहुंचना हो, धीरे धीरे चलो, बात समझ गए। रात को नलका खोल दो थोड़ा सा एक टप टप करने वाला, तो सुबह तक बाल्टी भर जाती है, खाली रख दो भर जाएगी ना चोपड़ा जी, बाल्टी भर जाएगी। तो बार बार सत्संग में आओगे तो एक एक ड्रॉप तो मिलेगा ही आपको, एक दिन बाल्टी भर जाएगी।
तो अगर तुम आते ही नहीं हो तो फिर क्या करना, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपके लिए शुभ भावना करता हूँ। मालिक आपको तंदुरुस्त, सबसे बड़ा धन तंदुरुस्ती है, दूसरा सबसे बड़ा धन मन की शांति है, तीसरा सबसे बड़ा धन घर में शांति है, प्रेम घर में शांति, तो सब कुछ है तो वहाँ सब कुछ है। आप सुखी रहो, मालिक आपको हर तरह से संपन्न करे। मेरी बहुत बहुत हार्दिक राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।